नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फतेहपुर में योगी सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उद्यान विभाग के राजकीय अलंकृत कंपनी बाग में स्थापित मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रोग सहित सब्जी पौधों के उत्पादन इकाई का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कई तरीके की बातों का जिक्र किया और सरकार लगातार इसी ओर में काम कर रही है, ये उनकी तरफ से कहना था। वहीं विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अग्निपथ योजना का विरोध कर रहा है विपक्ष, यह उसका फ्रस्ट्रेशन है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने आपको बता दें कि औली पहुंचकर औली मास्टर प्लान को लेकर एक संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि औली को वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए मास्टर प्लान लगभग अंतिम चरणों में है। मास्टर प्लान पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से चर्चा की गई है। जहाँ से तीन ट्रैक निकल रहे हैं और पर्यटन की योजना में पहले ही आपको भी बताया गया है, पर्यटन विभाग द्वारा इसको लिया गया है। सड़क की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है, उसका हम शीघ्र ही समाधान करेंगे और बाकी भी जितनी आपने समस्याएं बताई हैं डीएम साहब ने नोट कर ली हैं। हम देहरादून जाकर भी संबंधित अधिकारियों से मीटिंग करेंगे और इन समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान करेंगे। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आपको बता दें अग्निपथ योजना के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में खनन कार्यालय परिसर में सेना के अग्निपथ योजना को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला महामंत्री चौधरी अशोक सिंह ने कहा है कि योजना में अग्निपथ योजना किसानों के बच्चों के साथ एक अन्याय है। सरकार के खिलाफ ये जो मोदी की नीतियां है ना, ये बिल्कुल ही जनता को बेचन लग रही। जनता की प्रॉपर्टी बेच दी इन्होंने, भोज को लग रहे बेचन, ठेके पर लग रहे देन। ये जो अग्निवीर की योजना ने सरासर गलत है, इसके खिलाफ है भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत। ये सारे जो है हम जनहित में कार्य करें, किसान हित में कार्य करें। ये किसान के बच्चे जाए वहां, किसानों के बच्चे जाने की वजह से हमारे तो बच्चे हो गए, तो इसी का हम विरोध कर रहे। अग्निवीर का अग्निवीर युग नाम भी इन्होंने गलत दिया है। जवान को तो जवान का ही नाम अच्छा लगता है। दूसरा यह है कि सरकार सब कुछ देश को लग रही बेचन प्राइवेट आत्म है। वो अडानी 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 मोदी ने तो रट लिया, बेच दिया देश। आज वो 60,000 करोड़ देने की स्थिति में है, मोदी को चंदा दे रहा देश चलाने को। कहां तो दे रहा, यू हमारे पद जो उसे 10,000 करोड़ का वो 1 करोड़ में दे दे बेच दे। ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे जो सरकार केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई, देश के जवानों को सीमा पे अपने प्राण देने के लिए केवल 4 साल का मौका देना चाह। हमारे देश का जवान सेना में केवल इसलिए नहीं जाता कि मात्र वो आजीविका के लिए या नौकरी के लिए, देश के प्रति अपनी वफादारी मातृभूमि से प्यार के लिए सेना में नौकरी करन जा। और उसमें भी आप मात्र 4 साल का मौका दे, 4 साल का तो भाई सीधा 7 साल भर तो मेरा वैसे ही निकल जाएगा। आगे वहाँ जाते हो 2 साल रह रहे, वो काम क्या करेगा, ना मातृभूमि की रक्षा कर पाओगा ना वो अपनी करेगा। वो तो 4 साल काट कर सोचेगा कि भाई कहाँ मौका मिलेगा। तो ये योजना इस तरह की लहरी देश को आखिर कहाँ ले जाना चाह रही सरकार, भाई इसका ही नहीं पता। किसान था उसके खिलाफ बिल ले आई थी, उसमें भी सरकार घर घर जाकर समझावे थी कि बहुत बढ़िया फेवर में है किसान के, ये बिल वापसी लेने पड़े।
वहीं केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसके बीच आज हरदोई में किसान संयुक्त मोर्चा ने कलेक्टोरेट में जाकर धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर योजना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति को संबंधित एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को दिया। विरोध को देखते हुए कलेक्टर परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। शहर के सुंदरीकरण के लिए लाए गए मास्टर प्लान 2031 के प्रारूप का शहर में विरोध लगातार जारी है। आज पूर्व सैनिकों ने बड़ी संख्या में मास्टर प्लान के प्रारूप में विरोध में आईटीआई स्थित भाजपा सांसद के आवास का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व सैनिकों की सांसद प्रतिनिधि तीखी इनसे नोकझोंक हो गई। आपको बता दें कि नगर निगम परिसर स्थित गांधी लाइब्रेरी को स्मार्ट योजना के तहत ई लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया गया है। ई लाइब्रेरी का मंडल आयुक्त डॉक्टर लोकेश एन के रिबिन ने आपको बता दें उद्घाटन किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कार्यक्रम में मंडल आयुक्त डॉक्टर लोकेश एम का लाइब्रेरियन डॉक्टर सपना सिंह ने तिलक लगाकर और नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बुके भेंट कर स्वागत किया। मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए एक किताबों के महत्व के बारे में प्रकाश उनके ऊपर डाला। और बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सफाई करते हुए एक विधायक का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल वह विधायक ने नाले की सफाई की है, इसी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बता दें कि इससे पहले भी जनपद में भ्रष्टाचार को लेकर सजग वो नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि विधायक का ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से विधायक ने खुद नाले की सफाई की और साथ ही साथ ये साफ सुथरा जो अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने की मुहिम में खुद मोर्चा संभाला और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम लोगों को दिशा निर्देश देते हुए भी विधायक नजर आ रहे हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आगरा में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर रही। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने क्षेत्र अधिकारी एवं तमाम पुलिस बल के साथ जामा मस्जिद पर पुलिस बल तैनात नजर आई। वहीं पूरे क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी की गई। इधर सिकंदरा पुलिस ने बच्चा चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताया जा रहा है कि इसने कासगंज में अपने रिश्तेदार महिला को बच्चा चोरी करके दिया था, जिसके बाद दूसरे बच्चे को चुराने की ये फिराक में था, लेकिन पुलिस ने इसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक पुरुष और एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आगरा से एक ऐसे मामला निकलकर सामने आया है जहां पर चारवीं मंजिल से एक महिला को फेंक कर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है पूरे इलाके में। आपको बता दें आनन फानन में जैसे ही सूचना मिली पुलिस वहां पर पहुंची और साथ ही साथ महिला का शव कब्जे में लेकर फिलहाल उस महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फरुखाबाद में मंदिर के महंत के विरोध करने पर दबंग भूमाफिया मंदिर के महंत को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन और पुलिस की मिली भगत से दबंग भूमाफिया लगातार ठाकुर द्वारा मंदिर की जमीन पर कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर के महंत लगातार आए दिन पुलिस के चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस को लेकर उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन दबंग भूमाफियाओं की पुलिस और जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों के साठगांठ होने की बात लगातार कही जा रही है। मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के नवादिया स्थित ठाकुर द्वारा मंदिर का है।
फरुखाबाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम में बार बालाओं का डांस देखने को मिला। आपको बता दें बार बालाओं के डांस पर युवक जमकर पैसे उड़ाते हुए नजर आए। बार बालाओं के डांस का सोशल मीडिया पर अब ये जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता फैलाने की कोशिश की गई, जहाँ पर दो बार बालाएं डांस करती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान लोग भी आपको बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद नजर आ जाएंगे कार्यक्रम स्थल पर। साथ ही साथ ये अश्लील डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, तेजी से वायरल हो रहा है। गोलीकांड की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्टोरेंट के कमरे का दरवाजा तोड़ा, जिसके बाद युवक के शव को निकाला गया। आपको बता दें यह पूरा मामला हाथरस का है, जहां डॉग स्क्वाड की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम घटना की छानबीन में जुट गई। मृतक युवक के पास एक तमंचा भी मिला है। मृतक युवक के परिजनों का आरोप है कि युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस सभी तरीके से इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लक्सर के मुंडा खेड़ा कला गांव के किसान खेत में काम कर रहे किसानों ने उस समय उनमें हड़कंप मच गया जब उन्होंने गन्ने के खेत में एक मृतक पड़े एक गुलदार के शव को देखा, जिसकी सूचना उन्होंने लक्सर वन विभाग को दी। सूचना पर वन क्षेत्राधिकारी गौरव कुमार अग्रवाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं वन क्षेत्राधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि गुलदार के मरने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वहां पर टीम पहुंच गई। फिलहाल मरने का कारण जो है वो उसका बताया नहीं गया है, पोस्टमार्टम कराकर ही तमाम तरीके की जानकारियां जो है वो उपलब्ध हो पाएंगी। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।